तो दोस्तों ये है Redmi का Note 9 Pro और आज हम करने वाले इसका डुअल 4G वोल्टी टेस्ट। और उसके लिए यहाँ पे दो सिम है मेरे पास, एक जियो है और एक एयरटेल है, और यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है कि नहीं, वीओ वाईफाई को कैसे एनेबल करना है अगर एनेबल नहीं है तो, और साथ साथ नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इसके बारे में जानते हैं क्या कुछ सेटिंग है, तो बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे पता होता है कैसे क्या कुछ सेटिंग करना है, तो वो लोग ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। और जिनको जानना है, नेटिव वीडियो कॉल का डाउट भी रहता है बहुत सारे व्यूअर्स को, तो जिनको जानना है तो वो देखते रहे इस वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सिम ट्रे आपको इस बार किस तरह देखने को मिल रहा है। तो ये है सिम ट्रे Redmi Note 9 Pro का, और इस पर आपको हाइब्रिड नहीं, यहाँ पे प्रॉपर आपको दो सिम स्लॉट मिल रहे हैं, साथ साथ माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये हो गया इंसर्ट, और देखते हैं नेटवर्क कब आ रहा है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क आ चुका है। अब मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ क्या कुछ सेटिंग है इसका कॉल सेटिंग में, तो वो दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिम वन है वो है जियो, उसके बाद जो सिम टू है वो है एयरटेल, और यहाँ पे डुअल 4G ऑन है, मोबाइल डाटा भी ऑन है। और यहाँ पे हम करते हैं पहले तो आपको दिख रहा है इंटरनेट किस पे ऑन है, तो इंटरनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट यहाँ पे जियो में है, चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम सिम एयरटेल को कॉल करते हैं और देखते हैं कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत डाउट होता है। तो वो मैं दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेम करेंगे हम जियो के साथ भी, एयरटेल में ऑन करेंगे नेट और जियो को कॉल करेंगे रिसीव हो रहा है कि नहीं वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में नेटवर्क आ रहा है, और यहाँ पे दोनों में वोल्टी लिखा गया है आप देख सकते हैं, और जो सिम वन है उसमें नेट भी ऑन है। तो एक बार से आपको सेटिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये है सेटिंग, सेटिंग में हम जाते हैं यहाँ पे, ये है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पे जियो 4G जो है नेट अभी ऑन है वो है, और यहाँ पे डुअल 4G को ऑन करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता है वो भी बता दूँ। और ये भी आपको ऑन करना होगा, यूज मोबाइल डाटा वोल्टी कॉल्स ऑन द सेकेंडरी सिम, ये भी आपको ऑन करना होगा। तो ये बातें ध्यान रखना कि इस दोनों चीज़ को ऑन करना होता है। उसके बाद हम जाते हैं डाटा रोमिंग पे, उसके बाद हम यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये है या इंटरनेट जो कि जियो 4G ऑन है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एयरटेल कॉल करते हैं और देखते हैं कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं, उसके बाद सेम करेंगे हम जियो के साथ, और उसके बाद मैं आपको वीओ वाईफाई कैसे ऑन करते हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम टू में कॉल रिसीव हो रहा है और जो कि सिम वन में नेट ऑन है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है आप देख सकते हैं। अब आप सेम करते हैं जियो के साथ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेट को चेंज कर रहा हूँ, इंटरनेट को चेंज करके यहाँ पे मैं एयरटेल कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम वही सेम करते हैं, देखिए एयरटेल में नेट ऑन है, तो अब जियो को कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिम वन में कॉल रिसीव हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो आपको ये तो पता चले कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको सेटिंग में कुछ चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि बता दिया था मैं। तो यहाँ पर ये है सेटिंग, और ये हम जाते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क को, और यहाँ पे देखिए ये सब ऑन रखना है, ये ऑन नहीं होता है डुअल 4G, इसको आपको ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जानने के लिए जो चीज़ है वो है अंदर में, यानी कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा जियो 4G के अंदर या फिर एयरटेल के अंदर, जिसमें अंदर आपको जाना जा सकता है पहली बार। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज वोल्टी कॉल दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये है मेक कॉल यूजिंग वाईफाई, यानी कि वीओ वाईफाई कॉल यहाँ पे आपको दिया गया है, दोनों सिम में दिया गया है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो जो दोनों में जाके आप एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑन करना है, और उसके बाद आपको वीओ वाईफाई का सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे ही ब्रॉडबैंड यानी कि जैसे ही हम वाईफाई को ऑन कर देंगे तब आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले आपको एक बार वाईफाई को ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है वीओ वाईफाई। और यहाँ पे जो सिंबल है ये भी चेंज हो जाएगा, आप देख पाएंगे ये जो दिखा रहा है यहाँ पे वीओ, ये देखिए अभी ये चेंज होने वाला है आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा वाईफाई में आ जाएगा। तो ये देखिए कॉल चेंज होके वीओ वाईफाई में आ गया। तो कुछ इस तरह वीओ वाईफाई वर्क करता है, आपको वहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज करना है, उसके बाद ये सपोर्ट करता है। अब दिखा तो आपको नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट यहाँ फ़ोन पे आपको मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा और दिखाऊँगा आपको वीडियो का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल रिसीव कर दिया हूँ और वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है जिस तरह की यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन आराम से देखने को मिल जाता है, आप किसी को भी आराम से नेटिव वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।